हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से जारी किया गया है नया रिक्रूटमेंट, जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे एक एक जानकारी, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए किस तरह से एप्लीकेशन करना है, कहाँ पर एप्लीकेशन करना है, आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा। इस बार की जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है, जहाँ पर आप लोग किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पे अगर आप लोग जॉब अपडेट डेली पाना चाहते हो, देन यू मस्ट विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.studywithshobhik.com, जहाँ पे आप लोग डेली जॉब अपडेट मिलता रहेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन कर सकते हो, और उससे वहाँ पे भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा जहाँ से एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों, जितनी भी वैकेंसी आया है इस बार आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ। जहाँ पे देख सकते हो, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से टेक्नीशियन के ऊपर वैकेंसीज निकाल के आया है। यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऑनलाइन में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा 15 जून 2022 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, जिसका लास्ट डेट दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा, जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएशन इंजीनियर अप्रेंटाइज टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटाइज अगेंस्ट ट्रैफिक सुपरवाइजर ट्रेनी मैकेनिकल सुपरवाइजर ट्रेनी के ऊपर वैकेंसीज निकल के आया है। इस बार की जो वैकेंसीज है, जहाँ पे 300 टोटल वैकेंसीज निकल के आया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, कहाँ कहाँ में जो है आपका मिलेगा, आपका जॉब जिस भी रीजियन में कितना वैकेंसीज है। जैसे कि हैदराबाद में 51, सिकंदर रीजियन के लिए 36, मोरंगाबाद के लिए 27, मेदक रीजियन के लिए 24, नालकोंडा रीजियन के लिए 21, रंगा रेड्डी रीजियन के लिए 21, आदिलाबाद के लिए रीजियन के लिए 18, करीमनगर रीजियन के लिए 30, खमरमाम रीजन के लिए 18, निजामाबाद रीजन के लिए 18, वारंगल रेंगियकॉन के लिए यहाँ पे 27, एंड NOUSS के तरफ से 9। टोटल जो है 300 के आसपास वैकेंसीज निकल के आया है यहाँ पे। इसी के साथ आप लोगों को बताऊँगा, एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या और चाहिए। यहाँ पे बेसिकली आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा, जिसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन BE और BTEC चाहिए। अगर आपको क्वालिफिकेशन है BE BTEC, देन यू कैन अप्लाई। ग्रेजुएशन कंप्लीटेड स्टूडेंट जो कि डिप्लोमा में और ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, आप भी एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे जो सैलरी आपको 18,000 से 20,000 तक पर मंथ सैलरी दिया जाएगा, और एज लिमिट जो है 18 से 35 ईयर्स तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। जो बात यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि SC ST OBC कैंडिडेट जो है यहाँ पे अलग से 3 to 5 ईयर्स के एज रिडक्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ साथ जो सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया जा रहा है कि कैंडिडेट हु वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट मस्ट आप लोगों को जो है यहाँ पे कैंडिडेट अपीयर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को जो है अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है 3 ईयर्स की होने वाला है, जिसके बाद आप लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा इंटरव्यू के थ्रू। यहाँ पे 100 के एक नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर आपके पास होना चाहिए, जिसके बाद आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि ऑल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसी के साथ साथ आपका जो है मैकेनिकल के ऊपर जो सर्टिफिकेट है उसको भी दे सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट, एंड आपका वोटर और आधार कार्ड, आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर, ये सब कुछ जो है आपके पास होना चाहिए, जिसके बाद आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको लास्ट डेट जो है 15 जून 2022, उससे पहले आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। तो जल्दी से जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए।